मिस किया ना, मैं इतना परेशान हो रही थी इसके बिना। इस लड़के के रोमांस खत्म नहीं होते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है पहली मॉर्निंग ऑफ 2024 एंड आप सभी को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम आवर फैमिली टू योर फैमिली। ऐसा आपको दिख रहा होगा कि मैं नॉर्मल कैजुअल वेयर्स में ही हूँ, तो मतलब मैंने आज ऑफिशियली न्यू ईयर छुट्टी। रात हम लोग आए थे कॉन्सर्ट से, तो बहुत लेट हो गया था और संडे को भी मुझे ऑफिस जाना पड़ा था, इसलिए मुझे आज का रेस्ट चाहिए था। आई वॉन्ट सम मी टाइम टूडे। एक और अच्छी खबर जो मेरे लिए है सुबह सुबह, कि आज मैं यहाँ अकेली हूँ। चिराग गया है ड्यूटी पे। आज भाई घर पूरा मैसअप हुआ पड़ा है। अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि पहले घर ठीक करें या फिर पहले नाश्ता बनाए। मुझे लग रहा है कि पहले घर ही ठीक कर लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ भाई घर की हालत क्या हो रही है। ये देखो भाई हमारा बेडरूम, हालत देखो। जूते पड़े हुए हैं यहीं पे, पर्स कहाँ पड़ा हुआ है, इधर भी कुछ ना कुछ पड़ा ही हुआ है। देखो शू बॉक्स इधर पड़ा हुआ है। और ये इस लड़के के रोमांस खत्म नहीं होते हैं। सुबह सुबह चॉकलेट दे के गया मुझे। ये देखो हालत इधर, तो फिर भी ठीक है ये वाला एरिया, फिर भी बता रहा रुको अभी रुको जरा रुको। ये देखो कल इस बंदे ने पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, तो ये पासपोर्ट ऐसे ही छोड़ रखा है। पर्स भी मेरा इसको बंद करने का टाइम नहीं लगा है। ये आईपैड को मैंने ट्रे बनाई हुई है अपनी इयररिंग्स के लिए। ये बेचारे हमारे फूल पौधे, मम्मी थी तो ये हरे भरे खिले हुए रहते थे, अभी जरा इनकी हालत देख लो बेचारों की। कोई बात नहीं बच्चा, तुम्हारे भी अच्छे ही दिन आएंगे। यहाँ देखो सब, अब ये कमरा देखो भाई हमारा, तुम लोग देखो हालत देखो। ये कपड़े 3 दिन पहले धुले थे, भगवान जी धूप निकाल दो। हालत देखो क्या हो रही है कमरे की। ये सब जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े हैं, सब देख लो भाई। इधर भी टंगे हुए हैं एक तो आज देखो मौसम तो साफ है, धूप निकलती है तो कुछ करेंगे भाई, सुखाएंगे इनको धूप में। ये बैलून लाया था यहीं पड़ा है। अब देखो हमारे किचन की हालत देख लो आप लोग। ये देखो भाई किचन की हालत, बर्तन पड़े हैं सिंक में, तो काम है बहुत ज्यादा। तो मैं लगती हूँ भाई काम पे और आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अकेले क्या क्या मजे करती हूँ। और रात के लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ बाहर जाने का मन नहीं है, देखते हैं कुछ स्पेशल डिनर प्लान करते हैं मेरे पति देव के लिए। पहला दिन है भाई साल का, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, तो अभी मैं एक बार फटाफट पहले घर सेट कर लूं। काश भगवान काश मेरे काम वाली दीदी आज आ जाए, क्योंकि नहीं तो फिर झाड़ू भी मुझे पोछा भी मुझे ही करना पड़ेगा। अभी मेरा साफ सफाई सब हो गया है, अभी मेरा सिर्फ रहता है ब्रेकफास्ट बनाना, और उसके लिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। नॉर्मल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, और खुद बनाना तो इसलिए वैसे खाने का मन नहीं कर रहा। तो इतना मैं थोड़ी देर करती हूँ अभी रेस्ट, और सोचती हूँ कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। हम आ गए हैं किचन में, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, पराठे खाए हैं आज मैंने, मैंने नहीं बनाए थे, लैंडलॉर्ड ने बनाए थे, एकदम टेस्टी पराठे थे। तो अब हम कर रहे हैं शाम के सरप्राइज़ की स्टार्टिंग। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टर्स में सोचा है कि मैं फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ, तो उसके लिए अपना एज यूजुअल यूट्यूब हो गया चालू। ये देखो फ्रेंच फ्राइज हमने बॉईल कर दी हैं, इसको थोड़ा सा हम फैला लेते हैं। ये जाएंगे डीप फ्रिज में, इसको हम रखते हैं थोड़ी देर डीप फ्रिज में, उसके बाद इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब बच चुके हैं शाम के 6, घर से कुछ सामान आया है, हम तो जा नहीं पाए क्योंकि ठंड थी,
तो मम्मी ने भेजे हैं ये टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी लड्डू। दो टाइप के हैं, इसमें एक मेथी के भी है जो मैं पहली बार खाऊंगी, और ये दो है बेसन के लड्डू और गाजर पाक। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने मेरे लिए भेजी है, मेरा हीटर। मैंने इसको इतना मिस किया ना, मैं इतना परेशान हो रही थी इसके बिना। ये हम गलती से घर भुलाए थे पिछली बार, तो अभी मम्मी ने भिजवा दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने डिनर की तैयारी। फ्रेंच फ्राइज एक बार देख ले निकाल के, इसमें रखी हुई थी, तो इनको हम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए रख देते हैं। उसके बाद मैं ये सामान ले आई थी, तो उससे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी। ये मैं इसको सैलड बनाने की सोच रही हूँ, तो उसके लिए पास्ता है, नमकीन शराब खाता है ये कोई मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, ये येलो मस्टर्ड ऑयल। तो बॉटल तो मुझे इसकी बड़ी क्यूट लग रही है, पहली बार ट्राई करके देखते हैं। मुझे दिखा तो मैंने ये नीर आज की मेन डिश। तो भाई ये सामान लेके आओ जाके, फिर इसको डब्बों में डाल लो, यही रहती है जिंदगी। अपने कंटेनर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि चिराग ही आ जाएगा, बट मेरी तैयारी नहीं होगी। चिराग मस्त ड्यूटी कर रहा है और मैं यहाँ मस्त मज़े कर रही हूँ भाई। 2 घंटे सोई हूँ मैं दोपहर में, जो मज़े वाली नींद आई है ना, बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। मज़ा नींद आती है भाई, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं दोनों मिक्स करके खाती हूँ। अब हम अपना करते हैं कुकिंग स्टार्ट। पास्ता रख देती हूँ एक साइड बॉईल करने के लिए, ये रख दिया है मैंने पास्ता के लिए। पानी गर्म होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, बस ऑयल पहले का ही, तो मैं हल्का सा वो ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अपना पास्ता, तब होगा हमारा पास्ता बॉयल। मैं सब्जी के लिए प्याज टमाटर काट लेते हैं। इतने पिद्दू पिद्दू से प्याज लेके आया ना मेरा पति, अब की बार देखो कौन काटेगा इनको, काटते रहो बस बैठ के, टिंडू टिंडू से प्याज लेके आया हुआ है। तो फटाफट मैं सामान रेडी करती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अभी ऑलमोस्ट खाना सब रेडी हो चुका है, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज है जो मुझे एक बार मैं अभी कर लेती हूँ फ्राई, उसके बाद दोबारा जब चीनी आएगा तो मैं निकाल दूँगी एक बार और। एंड अभी चिराग आई गेस विद इन 10 to 15 minutes आने वाला है, उसको मैंने हिंट नहीं दिया सरप्राइज का बिल्कुल भी। तो अभी मैं फटाफट से ही फ्रेंच फ्राइज कर लेती हूँ और फिर हम उसका धमाकेदार वेलकम करेंगे। आज मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया, बहुत कुछ बनाया, मतलब ऐसा बहुत भी नहीं बनाया बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत कुछ बनाया। सुबह से ही ऑलमोस्ट मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगा आज मैं छुट्टी पे हूँ, वो ऑफिस गया है, तो लेट हिम मेक फील स्पेशल टुडे। सो ऑल सेट फॉर टुडे इवनिंग, सब कुछ रेडी है। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, बस मैंने थोड़े से फ़ोन चार्ज लगा रखा है, इतना मेरा फ़ोन थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है। तो मैं इतना अपना कैमरा वगैरह सेटअप कर लेती हूँ और जिन्हें बस आने वाला है थोड़ी देर। Yeah.
हाउ इज योर वेलकम टू 2024? अब लग रहा है कि फर्स्ट जैन है सुबह से परेशान है ये ऑफिस में, मेरे ऑफिस जाना पड़ रहा है 1 तारीख को। अरे ऑफिस तो जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है ऑफिस में। हाँ, सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे इवनिंग? इससे ज्यादा एक्साइटमेंट लगी मेरे फेस पे तो चलो फटाफट तुम फ्रेश हो जाओ। हमारा स्टार्टर्स रेडी है फॉर द इवनिंग, हमारा फ्रेंच फ्राइज, कॉफी एंड सॉस। लेट्स गो। तो हमारा स्टार्टर भी रेडी है और हमारा डिनर भी रेडी है। तो डिनर के लिए मैंने बनाया है पनीर, आप उसको मटर पनीर भी कह सकते हो, कढ़ाई पनीर भी कह सकते हो, दोनों से कुछ भी कह सकते हो। सैलड में है पास्ता सैलड, फिर गर्मा गर्म पराठे, और स्वीट में है गाजर का हलवा जो मम्मी ने भिजाया है हमारे लिए। सो पहले हम खाते हैं अपने स्टार्टर्स और उसके बाद हम करेंगे यम्मी यम्मी डिनर। सो लेट्स गो। अभी नहीं खाया, अभी तो सोनाली सरप्राइज दे रही है मेरे को आज। इसका बम चल गया ये जो कैसे? मैं ऊपर रख रखा था इस पे। कैसे? अच्छा उससे इन्वर्टर पे बेचारे का बम जल गया। तो अब हम रेडी हैं अपनी इवनिंग के लिए। यस। ये हम हैं, ये हमारा खाना, ये हमारी स्टार्टर्स हैं। वो हमारा हीटर है, ये हमारा टैब है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो हम एंजॉय करते हैं अपनी इवनिंग। हाँ। और आप सब भी एंजॉय कीजिए और ऐसे ही अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए कुछ कुछ स्पेशल चीजें करते रहिए। हाँ। ताकि लाइफ में थोड़ा रोमांस बना रहे। तो अगेन अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, एंड बी हैप्पी, बी सेफ, बाय, गुड नाइट।